मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। टाइम हो चुका है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट हो चुका है। और आज दिखाएंगे राजस्थान में। सब लोग कहते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो गाइस, हम दिखाएंगे आपको यहाँ पानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, लेट्स गो। इस राजस्थान में ये है पानी का टैंक। ये अंडरग्राउंड रहता है और इसमें डेली पानी आता है, और ये कम से कम 10 फुट का होगा अंदर को गहरा, और लंबाई भी काफ़ी है इसकी। तो पानी आता है डेली, इसमें स्टोर करते हैं। दिल्ली जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ। कुएं से पानी निकालने का वीडियो देखा होगा आपने। जब जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे उसमें से पानी निकालना नहीं आता था। अभी भी नहीं आता वैसे, लेकिन अब मैं आधी आधी बाल्टी निकाल लेती हूँ फिर भी। तो लंच बन रहा है हमारा। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर हम शाम को जाएंगे मार्केट किसी काम से। आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको पिलानी का मार्केट। हमने दिन में लंच किया, उसके बाद हमने थोड़ा देर आराम किया। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। हम आए हैं मार्केट किसी काम से। ये ई मित्र है। ई मित्र में किसी काम से आए थे हम। ई मित्र को वैसे साइबर कैफ़े बोला जाता है, यहाँ ई मित्र बोलते हैं। अभी ये करवा रहे हैं काम, फिर हम चलते हैं घर की ओर। फिर घर जाके आपको बताएंगे कि किस काम से आए थे हम। फाइनली हम आ चुके हैं घर। जिस काम से गए थे वो काम तो हुआ नहीं हमारा। हम गए थे हमारे गांव में, जो उत्तराखंड में हमारा घर है, वहाँ के बिजली का बिल आया था तो बिल जमा करने गए थे, लेकिन हो नहीं पाया। अभी उसमें कोई इशू हो रहा है शायद, अब कल ही भरा जाएगा वो बिल। तो अभी रात के खाने की तैयारी हो चुकी है। आज बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, और इसमें मक्के उबालने के लिए रख दिए हैं। आज मक्के खाएंगे क्योंकि आज बारिश का मौसम है, उबले हुए मक्के खाएंगे। अभी हम छत पे आए थे घूमने। ये देखिए व्यू कितना सुंदर है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।